हाँ देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल तरह, जैसे हम देखिए हम लिखते हैं इसको ए, क्या लिखे हैं डियर फ्रेंड्स ए, लेकिन जब हम इसी को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं तो इसका उच्चारण ए नहीं होता है, क्या होता है अ होता है, क्या होता है डियर फ्रेंड्स अ होता है। जब ए को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लिखेंगे तो वो ए नहीं अ होता है, उसका उच्चारण क्या होता है अ होता है। क्या आप ये बात जानते थे, कमेंट में बस बताइए हाँ या ना करके जरूर। चलिए अगर आप इसको हम पढ़ेंगे फी, लेकिन जब इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं पो, देख रहे हो ना, क्योंकि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में इसका हम ध्वनि यानी जो हम उच्चारण करते हैं फी का उच्चारण क्या करते हैं प, तो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में जब फी को लिखते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है प। उसी तरह जब इसको हम पढ़ते हैं एस, क्या पढ़ते हैं डियर फ्रेंड एस, लेकिन जब हम इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं आप लोग कमेंट में बताइए, एस को जब हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे अब आप लोग कमेंट में बस बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्थोग्राफी। इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें हम लोग इंग्लिश क्या होता है, व्हाट इज इंग्लिश, और लैंग्वेज का डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन देखे थे और इंग्लिश के ब्रांचेस देखे थे। ब्रांचेस के अंतर्गत मैंने आपको 5 ब्रांचेस बताए थे, देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिनमें हम बताए थे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग उस ब्रांचेस का पहला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी। तो डियर फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक जो है ऑर्थोग्राफी, आज का टॉपिक है डियर फ्रेंड्स क्या ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है वर्ण विचार। डियर फ्रेंड्स, जो मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वो वीडियो अवश्य देख लीजिए। पहले डे 1 का वीडियो देख लीजिए, तब डे 2, और आज का जो वीडियो है वो डे 3 का है, तो तीसरा वीडियो उसके बाद देखिए। अगर आप क्रमबद्ध सब वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ग्रामर में कहीं ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो हर एक दोस्त को फैला दीजिए, आपके व्हाट्सएप जो भी सोशल साइट है सभी पर वीडियो को शेयर करिए और दिखा दीजिए कि स्टूडेंट पावर क्या है, और आप इस चैनल को सबसे पॉपुलर चैनल बनाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी, राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी हियर, राइट डाउन ऑर्थोग्राफी इज द branch of English grammar in which we study about sound, letter, types of letter, alphabet, parts of alphabet, etc. डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफी को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड, लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, अल्फाबेट, पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट एट्सेट्रा। यानी ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिनमें, इन विच मतलब जिनमें हम ध्वनि, साउंड में होता है ध्वनि, लेटर अक्षर या वर्ण, टाइप्स ऑफ लेटर अक्षर के प्रकार, अल्फाबेट वर्णमाला, पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट यानी अल्फाबेट भाग, अल्फाबेट के भाग इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप लोग हिंदी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का वह शाखा है जिसमें हम ध्वनि, अक्षर, अक्षर के प्रकार, वर्णमाला और वर्णमाला के भाग इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हुआ ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन। ये इनमें हम अब आप लोगों को पहला डेफिनेशन जानेंगे वो साउंड। हम क्या जानेंगे, साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि क्या है, अगर हम ध्वनि को समझते हैं
तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट को धोनी के बारे में कन्फ्यूजन है, तो इसे हम अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इंग्लिश जो है ना, अगर इसकी छोटी छोटी बातों को अगर हम समझ लेते हैं, ये बकलोल को पता ही नहीं है, हम कैसे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हम इसे बकलोल बनाएंगे, किसको? इंग्लिश को, और आसानी से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसको छोटी छोटी बातों को हम लोग समझेंगे और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम साउंड का डेफिनेशन देखते हैं। साउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइज कॉज्ड बाय एक्सहेलेशन ऑफ द विंड थ्रू द माउथ which can be written into letter and heard is called sound। डियर फ्रेंड्स, देखिए साउंड का एक एक्सप्लेन हम लैंग्वेज के सेंस में कर सकते हैं। ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइज कॉज्ड बाय एक्सहेलेशन ऑफ द विंड थ्रू द माउथ व्हिच कैन बी रिटन इनटू लेटर एंड हर्ड इज कॉल्ड साउंड। यानी इसका हिंदी हम इस तरह कह सकते हैं, मुंह से निकली हुई वह आवाज भरी हवा जिसे हम अक्षरों के रूप में लिख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साउंड। फिर से सुन लीजिए, अगर सही से इसका हिंदी करिएगा तो इस तरह भी हो सकता है, मुंह से निकली हुई वह आवाज भरी हवा जिसको अक्षरों के रूप में लिखा जा सकता है और सुना जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में साउंड का बहुत महत्व है। आप जानते हो कि साउंड को हम किस चीज से सूचित करते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साउंड को हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लिखेंगे साउंड इज डिनोटेड बाय फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, साउंड को हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत को ये पता नहीं होगा कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं। तो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए किसको कहते हैं, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का सिंबल होता है इस तरह। जब कोई वर्ड या लेटर को हम इसमें लिखते हैं तो उसका हम साउंड लिखते हैं, उसका हम क्या लिखते हैं? साउंड। जैसे यहाँ देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल थोड़ा। जैसे हम देखिए, हम लिखते हैं इसको ए, क्या लिखे हैं डियर फ्रेंड्स? ए। लेकिन जब हम इसी को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं, इसका उच्चारण ए नहीं होता है, क्या होता है? अ होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ओ होता है। जब ए को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लिखेंगे तो वो ए नहीं ओ होता है, उसका उच्चारण क्या होता है? ओ होता है। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट में बस बताइए हाँ या ना करके जरूर। चलिए, अगर आप इसको हम पढ़ेंगे फी, लेकिन जब इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं पो। देख रहे हो ना, क्योंकि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में इसका हम ध्वनि यानी जो हम उच्चारण करते हैं, फी का उच्चारण हम क्या करते हैं? पौ। तो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में जब फी को लिखते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? पौ। उसी तरह जब इसको हम पढ़ते हैं एस, क्या पढ़ते हैं डियर फ्रेंड? एस। लेकिन जब हम इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। एस को जब हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? अब आप लोग कमेंट में बस बताइएगा। देखते हैं किसको किसको आता है।
अब देखिए अगर ये है टी, अगर इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये दो चीज आप पर छोड़ते हैं, जैसे ए को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में अ पढ़ते हैं, पी को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में प पढ़ते हैं, तो एस को क्या पढ़ते हैं, आप जान अब आप समझ गए होंगे, अवश्य कमेंट में बताइए, अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एस को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ते हैं वो बता देंगे और टी को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ते हैं वो भी बता देंगे। ओके, हैव यू एनी कन्फ्यूजन? नहीं ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। साउंड आपका ये क्लियर हो गया, अब हम साउंड के बाद हम डिस्कस किस पर करेंगे, लेटर पर। डियर फ्रेंड्स, साउंड के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेटर पर। चलिए हम इसको मिटाते हैं और लेटर पर बेहतरीन ढंग से डिस्कस करते हैं और लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो इस ढंग से रेगुलर आती रहेगी और आपका पूरा ग्रामर YouTube के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। और अपने सभी दोस्तों को, जितने दोस्त को आप जानते हैं, सभी को ये लिंक भेजिए और कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका पूरा लुत्फ उठाएं और बढ़िया से इंग्लिश ग्रामर घर बैठे पढ़े। चलिए अब हम लोग साउंड के बाद डिस्कस करेंगे किस पर, लेटर पर। डियर फ्रेंड्स, अब हेडिंग देंगे लेटर, यानी अब आपका टॉपिक जो है वो लेटर। डियर फ्रेंड्स, लेटर किसको कहते हैं, अब लेटर को समझने की हम कोशिश करते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं। व्हाट इज लेटर? देखिए, लेटर को डिफाइन कर सकते हैं, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फ्रॉम व्हिच मेक्स ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर, यानी ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जिससे शब्द बनता है उसे लेटर कहते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, लिखेंगे ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फ्रॉम व्हिच मैक्स ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर। डेफिनेशन देखिए कितना आसान है लेटर का डेफिनेशन, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई, फ्रॉम व्हिच जिससे, मेक्स ए वर्ड शब्द बनता है उसे हम लेटर यानी वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हिंदी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जिससे शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हम समझते हैं। जैसे देखो डियर फ्रेंड्स, हम लिख रहे हैं हैप्पी, एच ए पी पी वाई, हैप्पी। हैप्पी देखो किस किस से बना, एच से बना, ए से बना, पी से बना, वाई से बना। यहाँ एच ए पी और वाई जो है उसी को तो हम लेटर बोलते हैं क्योंकि इससे शब्द बना, ये क्या हो गया लेटर। हैप्पी में कौन कौन लेटर है, एच है लेटर, ए है लेटर, पी है लेटर और वाई है लेटर, इसी को तो हम लेटर बोलते हैं, क्या इनसे ही शब्द बना है हैप्पी, तो जिससे शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिख रहे गुड, जी सटल सटल ओ और डी, अरे आप सटल सटल ओ नहीं पढ़िएगा, इसको ओ ओ डी पढ़िएगा, सटल सटल ओ, ठीक है ना। एक बच्चे थे जब मैं पढ़ा रहा था तो चप्पल का क्या बोला है जानते हो, चो सटल सटल पो लो चप्पल, तो यहाँ नहीं कहिएगा जी सटल सटल ओ डी गुड, ऐसे नहीं, जी ओ ओ डी गुड, ये होता है, जी डबल ओ डी गुड भी नहीं बोला जाता है, जी ओ ओ डी। अब देखिए ये किससे बना गुड, गुड आपको बना जी से, ओ से और डी से, तो जी ओ डी को हम क्या कहेंगे डियर फ्रेंड्स, लेटर। क्या कहेंगे, लेटर। समझ में आया, बहुत आसान है, देखो कितनी आसान है इंग्लिश ग्रामर, छुट्टे का परेशान हो रहे हैं। तो देखिए और एग्जांपल दे, एक और दे देते हैं, चलिए जैसे देखिए हम लिखते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट किससे बना, आई से, एन से, टी से, ई से, जी से और टी तो लिखिए, यानी इंटेलिजेंट में टोटल लेटर है, एक है आई, दूसरा है एन, तीसरा है टी, चौथा ई, पांचवा है जी, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, लेटर। अब हमें लगता है कि लेटर में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट आप ही लोग के लिए है, आप ही लोग के लिए यूट्यूब चैनल वाले ने कमेंट बनाया, भरमार कमेंट कीजिए, जितना करना है उतना कीजिए, लेकिन करिए तो सही। अब चलिए
अब हम लोग जानते हैं लेटर कितना प्रकार के होते हैं, जानते हो सब, लेकिन बताओगे कोई नहीं। अगर आता है तो कमेंट में तो लिख के दिखाओ लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तो लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के दो प्रकार होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन होता है। पहला होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और दूसरा क्या होता है स्मॉल लेटर। देखो कितना आसान है, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, सब जानते हो फिर भी कोई कमेंट नहीं किए, इसका मतलब क्या दिमाग नहीं लगाते हो। सब जानते हो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, यही तो दो प्रकार हैं, दो फॉर्म है, किसका लेटर का, एक स्मॉल लेटर और दूसरा कैपिटल लेटर। ओके, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल लेटर पर। कैपिटल लेटर को बढ़िया से समझाते हैं और इसको हम मिटाते हैं तब ना अगला लिखेंगे। तो इसको मिटाते हुए हम लोग अब आते हैं कैपिटल लेटर। अब देखिए आप लोग को मैं कैपिटल लेटर अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, और अब आपको जिसको जिसको ए बी सी डी आता है ना, वो बहुत अपने आप को खुश मत समझिए, क्योंकि अभी जो आपको ए बी सी डी आने वाली है ना, वो गड़बड़ सरबड़ होने वाली है, इतना गड़बड़ सरबड़ हिल जाओगे, क्योंकि मुझे ए बी सी डी नहीं आती है। अरे नहीं आती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आता है तो यस लिखिएगा। हाँ, जब मैं पूरा ए बी सी डी पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद यस लिखिएगा, उससे पहले नहीं यस लिख लीजिएगा। चलिए पहला हम लोग अब पढ़ेंगे कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। अब देखिए कैपिटल लेटर, चलो पहले लिखना सिखाता हूँ तब ना पढ़ना सिखाऊंगा। तो कैपिटल लेटर देखिए दो लाइन में कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। कैपिटल लेटर हम दो लाइन में कैसे लिखेंगे, देखिए दो लाइन में आसान है, अगर आप जहाँ से हम ए शुरू किए हैं उसी पर हम सब चीज़ लिखते हैं। अब इतना बड़ा हम ए लिखे तो उतना ही बड़ा सभी लेटर होना चाहिए, बी भी इतना ही बड़ा, लेकिन जहाँ से हम ए को बीच में काटे हैं वहीं से बी को भी काटेंगे। उसके बाद सी, देख रहे हैं ना, पूरा एक जैसा एक रंग होना चाहिए, थोड़ा आस टाइम लगेगा, लो टाइम जितना लेना है, लेकिन एकदम सही से लिखो ए बी सी डी। उसके बाद होता है ई, ई में ये दोनों बड़ा होता है, बीच वाला छोटा होता है। एफ जी एच आई जे, उसके बाद होता है के, देख रहे हो ना, एल एम, एम में देखिए पूरा नीचे तक लाना है, छोड़ना नहीं है एम। उसके बाद देखेंगे एन ओ फी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू में पूरा ऊपर तक लाइएगा, बीच से छोड़ नहीं दीजिएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज कॉल्ड कैपिटल लेटर। देखिए कैसे आप लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी, हम एक बार पढ़ के दिखाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही ना पढ़ते हैं। अरे बुड़बक की थोड़ा गड़बड़ सरबड़ है, इसमें सब गड़बड़ नहीं है, एक दो लेटर गड़बड़ है। अब उस एक दो लेटर को सीखते हैं, अब थोड़ा गौर से देखिए, अगर अभी से मैं जो पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या करिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, एक दो बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको हम पढ़ेंगे ए बी सी डी ई, ई पर थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे, जोर डालेंगे। एफ 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 में देखिए लोअर जो टीथ है ना उसको, सॉरी लोअर जो लिप्स है उसको अपर टीथ में सटाक बोलिए। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, देखो ओ नहीं पढ़ना, ओ पी पी नहीं पी, क्यू क्यू नहीं क्यू, आर एस टी टी नहीं टी, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू, एक्स वाई जी जेड नहीं जी, जेड का उच्चारण जी होता है, जी सिक्स मोबाइल फेमस हो गया है, वहाँ देखेंगे जेड नहीं पढ़ते हैं उनको, जी सिक्स पढ़ते हैं। ओके अब चलिए ये हो गया आपका कैपिटल लेटर। जब कैपिटल लेटर बड़का भाई को देख लिया तो छोटका को भी देख लेते हैं,
कैसा छोटका को,